हेलो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबका दोस्त अनूप मैनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एकेएम ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, चिंतपूर्णी माता का मैंने आपको व्लॉग भेजा था कि किस तरह से वहां पे एंट्रीज हो रही हैं आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, और जो ये अनलॉकिंग चल रही है हिमाचल गवर्नमेंट की, उसके उपस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है उनको कैसे एंट्रीज मिल रही हैं यहाँ पे कोरोना आउटब्रेक के दौरान, मैं आपको दिखाऊंगा और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूंगा। काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सबको जानकारी घर बैठे मिल सके। सो राइट नाउ हम हैं ज्वाला देवी मंदिर के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। सो यहाँ पे इन्होंने वंस अगेन चिंतपूर्णी माता के मंदिर की तरह ही हमारी थर्मल स्क्रीनिंग की है, और ये एक पास दिया है हमें मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम दोनों को। सो नेक्स्ट अभी जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर, ज्वाला देवी मंदिर के अंदर, वहाँ का एक्सपीरियंस अभी आपसे जाके शेयर करते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के बाद हम लोग अब एंटर कर चुके हैं जो मेन मंदिर की तरफ गेट जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था इस जगह पे कोरोना आउटब्रेक के बाद जो अनलॉकिंग हो रही है उसमें यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। सो अभी आगे चल रहे हैं मंदिर में और मंदिर जाके देखते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हमारी हो चुकी है और जो हमें यात्रा स्लिप इन्होंने दी है वो हम लेके आगे जा रहे हैं। ज़्यादा वहाँ पे भी हमसे सवाल जवाब इन्होंने नहीं पूछे, जस्ट ये पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो और आपका नाम क्या है और नंबर क्या है। इस टाइम पे हम खड़े हैं ज्वाला देवी मंदिर में और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और आगे जा रहे हैं बगलामुखी मंदिर के लिए। इस टाइम पर सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से और नाश्ता करेंगे और देन हम जाएंगे यहाँ से बगलामुखी मंदिर के लिए, जो यहाँ से 22-23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मिलते हैं आप सबसे बगलामुखी मंदिर। सो फ्रेंड्स, जय माता दी। वंस अगेन हम लोग पहुंच चुके हैं माता बगलामुखी के मेन गेट पर, और यहाँ पर सबसे पहले जितने भी पिलग्रिम्स आए हुए हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के बाद ही मंदिर में एंट्री होगी। सो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के लिए। दोस्तों, थर्मल स्क्रीनिंग हमारी हो चुकी है, टेम्परेचर्स आर चेक्ड और आधार कार्ड नंबर भी इन्होंने हमसे लिया था। सो अब हम लोग तैयार हैं नीचे मंदिर में जाने के लिए। एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि नीचे मंदिर में कैमरास तो अलाउड नहीं है, सो मैं कोशिश करूँगा आप सबको मंदिर के ऊपर से दर्शन करवाने की। सो हम लोग जो हैं वो दर्शन करके नीचे से ऊपर आ चुके हैं बगलामुखी माता के। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें, कहना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ थी नीचे, फैंटास्टिक फैसिलिटीज़ थी। और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये सीधी जाती है कांगड़ा के लिए, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा कांगड़ा। कांगड़ा यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है और इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स यहाँ से हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए। सो मिलते हैं कांगड़ा मंदिर। हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कांगड़ा वैली और कांगड़ा मंदिर में, और आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 की प्रिकॉशंस के लिए गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं।
और इस समय हम खड़े हैं कांगड़ा मंदिर के बिल्कुल बाहर और जा रहे हैं मंदिर के अंदर अपनी थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के लिए। और ये है वो जगह जहाँ पे मंदिर में एंटर करते ही हमारी थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद टूरिस्ट को अब COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट जो लाने की ज़रूरत होती थी उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमें। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ से जा रहे हैं चामुंडा माता मंदिर के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली कांगड़ा से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। देखते रहिए लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा ज्वाला जी कांगड़ा में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, बगलामुखी में कैसी फैसिलिटीज़ हैं कोरोना आउटब्रेक में, और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अब हम हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं चामुंडा माता मंदिर में। अब हम आपको लेके जाएंगे चामुंडा माता मंदिर और उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। चामुंडा माता मंदिर में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको बताएंगे। सो ये रोड है जो पालमपुर से चामुंडा माता मंदिर को जाती है, इसके साथ साथ हम चलेंगे चामुंडा माता मंदिर के लिए। लेट्स गो। मैं खड़ा हूँ चामुंडा माता मंदिर के बिल्कुल बाहर। बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीनिंग की इन्होंने, टेम्परेचर चेक किया और टेम्परेचर चेक करने के बाद हमें जाने के लिए अलाउ कर दिया और अब हम जा रहे हैं चामुंडा माता मंदिर के लिए। इस मंदिर का एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे, बहुत ही सुंदर मंदिर बन चुका है ये। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा दर्शनों के लिए। वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, पर हमने रचना होने की वजह से कोशिश की आप सभी को घर बैठे हुए दर्शन करवाने की। ये है मंदिर के लेफ्ट साइड का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू जो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पर स्क्रीन पे। इस टाइम कोविड की वजह से यहाँ पर कोई भी और टूरिस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी और टूरिस्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, खास टूरिस्ट नहीं है। सो ये मंदिर की बात करें तो ये मंदिर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल मैप ही चेंज हो चुका है इस मंदिर का। जियोग्राफी की बात करें तो इस मंदिर के बिल्कुल साथ एक नदी बहती है जिसे लोकल लैंग्वेज में खड्ड भी कहा जाता है। सो हम जा रहे हैं खड्ड की तरफ। सो ये है वो लोकल रिवर यानी खड्ड जो मंदिर के बिल्कुल साथ नीचे की ओर बहती है। सो हम लोग नीचे की ओर आ गए हैं। ज़्यादातर जो टूरिस्ट यहाँ पे आए होंगे उनको पहले इसके बारे में ज़रूर पता होगा। सो और भी ज़्यादा इन्जॉय करना हो ना तो पानी में पैर डाल के यहाँ पे बैठ जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मन तो हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे बैठें, यहाँ पे नहाएं, लेकिन कोविड की वजह से सब बंद है। सो मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब कोविड से पहले हम लोग यहाँ पे आते थे तो दर्शनों के बाद ज़रूर नहाते थे, पर अब सब बंद है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा माता चिंतपूर्णी जी के बाद सेकेंड और फाइनल एपिसोड जिसमें आप सब ने घर बैठे हुए माता ज्वाला जी, माता बगलामुखी, माता कांगड़ा जी और माता चामुंडा जी के अच्छे से दर्शन किए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड और कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। यही आपका प्यार है जो मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच।